गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स. बेटा एज यू नो दैट कि इन दिस टाइम वी आर रीडिंग ज्योग्राफी लेसन फिफ्थ द डोमेन्स ऑफ द अर्थ. बेटा दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑन दिस लेसन. नेम इज बायोस्फेयर द डोमेन ऑफ लाइफ. ओके बेटा इन दिस लेसन मेनली वी विल डिस्कस अबाउट द स्फेयर ऑफ द अर्थ एज लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर. हमने प्रत्येक के बारे में देखा बट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लाइफ के बारे में. देखा हम लोगों ने लिथोस्फेयर में कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने. उसमें देखा कि देर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. फिर उसने पढ़ा अकॉर्डिंग टू साइज या दैट पोजिशन ऑन द ग्लोब. नेक्स्ट हाइड्रोस्फेयर देर आर 5 कॉन्टिनेंट सॉरी ओशियन. पैसिफिक ओशियन द लार्जेस्ट ओशियन एज यू नो दैट. एंड एटमोस्फेयर यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द प्रीवियस वीडियो. बट टुडे विल डिस्कस अबाउट द बायोस्फेयर जीव मंडल. इस बेटा हिंदी में बोलते हैं क्या जीव मंडल. देखते हैं इसमें इसे क्या होता है. द बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर. देखिए ये लैंड वाटर एंड एयर जिस जोन में कंटैक्ट करता है तीनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ जो है लाइफ पॉसिबल होता है. इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक ऑफ द प्लैनेट. ठीक है यानी कि यहाँ पर लाइफ संभव होता है इसलिए क्या बोलते हैं बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल. देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स. यानी बेटा इस बायोस्फीयर में छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म्स लेकर के बड़े से बड़े एनिमल तक इसमें अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फेयर फॉर सर्वाइवल. यानी कि इसमें छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर के आदमी तक मानव तक जो कि इस अर्थ का इस प्लैनेट का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटेलिजेंट स्पीसीज माना जाता है ये आपस में क्या होते हैं इंटरलिंक्ड होते हैं दूसरे से जुड़े होते हैं चाहे वो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली. ओके द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फेयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन टू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंट्रैक्ट विथ ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर. यानी कि बायोस्फेयर में जो भी हमने पढ़ा प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो या फिर थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ जैसे हम लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर ये आपस में इंट्रैक्ट होते हैं कनेक्टेड होते हैं और ये तीनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं अलग अलग तरीकों से. जैसे फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफ फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर में लीड्स टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप. यानी कि जिस समय अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं डिफोरेस्टेशन करते हैं और अपने फायरवुड को कंप्लीट करने के लिए उसको कंप्लीट करते हैं या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को और इंक्रीज करने के लैंड को क्लियर करने के लिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो क्या होता है इससे जो सॉइल है वो जल्दी रिमूवल होता है उसकी जो ऊपरी परत लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो रही है. सिमिलरली अर्थ सरफेस मे बी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटिज लाइक अर्थक्वेक. फॉर एग्जाम्पल देयर वुड बी समर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. यानी जैसा देखते हैं कि अर्थक्वेक यानी कि जो नेचुरली एक्सीडेंट है वो बार हमेशा होती रहती है. इससे क्या होता है इससे हमारी अर्थ के जो अपर लेयर है उसमें चेंज होते रहता है. कहीं आपको अर्थक्वेक हो जाता है कहीं वेल्कोनिक हो जाती हैं कहीं अलग अलग एक्टिविटी जो है होती रहती हैं. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल into lake and river make the water unsuitable for human use.
और देते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है उसे क्या करते हैं हम लोग रिवर्स में पॉन्ड में डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही क्या है लॉसफुल है। इट इज़ ऑल्सो डैमेज अदर्स फॉर्म ऑफ लाइफ। और वाटर लाइफ जो एक्वाटिक लाइफ जो बोलते हैं एक्वाटिक लाइफ, उसे भी क्या करते हैं डैमेज करने का वर्क करते हैं। इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। यानी कि जो भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, बट इसकी मात्रा जो है डिक्रीज हो रही है, तो क्या है ये ग्लोबल टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, दिस ही टर्म एज अ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग कि इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बट इंक्रीज इन द अमाउंट, ठीक है, टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर, दिस इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर द एटमोस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। ओके बेटा, तो दिस इज द लास्ट वीडियो और ये लेसन आपका समाप्त होता है। हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।